हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैंने अपने बेबी के लिए फर्स्ट बुक्स और एजुकेशनल टॉयज लिए हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स ली हैं अपने बेबी के लिए एज अ फर्स्ट बुक। सबसे पहले मैंने ये बेबी टच एंड फील बुक ली है। ये एनिमल बुक है, इसमें आपको एनिमल्स की फोटो मिलेगी। सबसे पहले बेबी के लिए टच एंड फील बुक ही लेना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो सबसे पहले टच को समझते हैं, जैसे कि माँ के टच को या पेरेंट्स के टच को, किसी के टच को सबसे पहले वो समझते हैं। इसीलिए आप जब भी अपने बेबी के लिए फर्स्ट बुक लें तो टच एंड फील वाली बुक लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे बुक से, बच्चे बहुत जल्दी समझेंगे बुक्स को। बेबीज के लिए टच एंड फील बुक बेस्ट होती है, इसीलिए मैंने भी अपने बेबी के लिए ये टच एंड फील बुक ली है। ये टच एंड फील वाली बहुत सारी बुक्स आती हैं, किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। टच एंड फील बुक्स कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो इसका जो ये कवर है वो सॉफ्ट है, यानी कि हार्ड कवर नहीं है, ये पैडेड कवर है। आप इस कवर को जब दबाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगता है, क्योंकि ये स्पेशली बेबीज के लिए है। बेबीज बहुत छोटे हैं इस समय, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो अगर अपने सर पे इस तरह से बुक्स को मार भी लेते हैं तो भी उनको हर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आगे और पीछे ये जो कवर है वो पैडेड कवर है, ये सॉफ्ट है। मैं आपको खोल करके भी दिखाती हूँ। इस बुक के एक पेज में एक एनिमल की फोटो बनी हुई है और एनिमल का नाम और उससे रिलेटेड कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। और जब आप एनिमल की फोटो को टच करेंगे तो उसमें कुछ आपको फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पपी की फोटो को मैं जब टच कर रही हूँ तो यहाँ पर एक पार्ट में फर का कपड़ा लगाया गया है, जिससे कि जब भी बेबी पपी की फोटो को टच करें तो उनको फील हो, उनको पता चले कि रियल पपी को टच करने पर कैसा फील होता है। इसी तरह से जैसे किटन को आप टच करते हैं तो कैसा फील होता है ये आपको पता चले। इसी तरह से आपको आगे भी जो एनिमल्स की फोटो मिलेंगी उसमें भी कुछ ना कुछ टच करने पर बेबीज को फील होगा। जैसे कि मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ, इस चिंपैंजी की फोटो को जब हम टच करते हैं तो इसमें भी एक पार्ट में ये ब्लैक कलर के फर का कपड़ा लगाया गया है, इस पे भी टच करने पर सॉफ्ट सा फील होता है। इस तरह से बेबी टच करके फील करते हैं और फिर वो लर्न करते हैं। मैंने ये एनिमल की बुक ली है, इसमें कई और भी बुक्स आती हैं, जैसे कि पार्क, बनी, मैरी क्रिसमस करके इसमें और भी बुक्स आती हैं, जिससे भी आप बेबी को रिलेट करवाना चाहते हैं आप वो बुक ले सकते हैं। ये एक बोर्ड बुक है, इसके जो पेजेस होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, इन्हें बच्चे इजिली फाड़ नहीं सकते हैं। मेरे बेबी ने भी इसे फाड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ से इसे फाड़ नहीं सका, लेकिन वो इस बुक को मुंह में डालता था और मुंह से उसने काट करके इसके पेजेस को डैमेज कर दिया है। बट इट्स ओके, ये बेबीज के लिए ही बुक है, आपको बेबीज को फ्रीली होकर के इस बुक्स को दे देनी है। ये नहीं कि बच्चे फाड़ देंगे या बच्चे इसे डैमेज कर देंगे, गंदा कर देंगे तो हम बच्चों को साथ में बैठकर ही पढ़ाएं, बल्कि आप बच्चों को फ्रीली होकर के इन बुक्स को दे दें, बच्चे इसके साथ जो करना चाहें वो करें, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे इससे। नेक्स्ट मैंने ये एनिमल एबीसी बुक ली है। मैं सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप भी सेम बुक्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज चेक करें।
इसका जो कवर है वो भी पैडेड कवर है और सॉफ्ट है। ये भी एक बोल्ड बुक है, इसके पेजेस भी काफ़ी मोटे हैं और मजबूत हैं। जब आप अपने बेबी के लिए ये अल्फ़ाबेट बुक लें या फिर न्यूमेरिक यानी 1-2-3 वाली बुक लें, तो आप ऐसी बुक्स प्रेफर करें जिसमें एक पेज में एक ही अल्फ़ाबेट हो और उससे ही रिलेटेड सभी चीज़ें बनी हों, जिससे कि बेबी को कन्फ्यूज़न ना हो और वो ईजली समझ सकें और सीख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट पेज में ये ए बना हुआ है, ए फॉर एलिगेटर, और इसमें लिखा हुआ है एलिगेटर लर्निंग अल्फ़ाबेट्स। तो ए से क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसलिए अल्फ़ाबेट्स की फ़ोटो है, और ए से एलिगेटर भी होता है, इसलिए ए से एलिगेटर की भी फ़ोटो है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं बी से बियर, और बियर क्या कर रहा है, बियर इन बाथ। सी फॉर कैट, और कैट क्या कर रही है, कैट ईटिंग कपकेक्स। तो सी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो एक पेज में बनी हुई हैं, जिससे कि आप बेबी को जब बताएंगे तो बेबी को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और उनको समझ में आए कि सी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली जब आप फर्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अल्फ़ाबेट की या फिर न्यूमेरिक भी, तो एक पेज में एक अल्फ़ाबेट या फिर एक पेज में एक नंबर ही होना चाहिए, जिससे कि बेबीज़ को समझने में आसानी हो और बेबी के लिए कन्फ्यूज़न ना हो और बेबी उसे अच्छे से लर्न कर पाए। नेक्स्ट मैंने ये गुड नाइट बुक ली थी अपने बेबी के लिए। बहुत सारी गुड नाइट बुक्स आती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं, या फिर आप गुड नाइट बुक्स के अलावा स्टोरी बुक्स भी ले सकते हैं। इस बुक को स्पेशली बेड टाइम के लिए बनाया गया है। इस बुक में एक पेज आपको कलरफुल मिलेगा और एक पेज आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। और ये जो सबसे पहला जो पेज है इसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कलर्स धीरे धीरे थोड़ा सा डल होते जाएंगे, डार्क होते जाएंगे, और जब आप एकदम लास्ट वाले पेज को देखते हैं तो वो पेज काफ़ी ज़्यादा डल और डार्क हो जाता है, जैसा कि अंधेरे में दिखता है रूम, उस तरह का वो पेज लगता है। तो इस बुक को पढ़ने से बच्चे को इस इफ़ेक्ट से काफ़ी जल्दी नींद भी आ जाती है और अच्छे से नींद भी आती है। इसके अलावा मैंने कुछ टॉयज लिए हैं अपने बेबी के लिए, इन टॉयज से भी बेबी काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि मैंने ये दो स्टैकिंग टॉयज लिए हैं, ये टॉयज काफ़ी कलरफुल हैं, इससे आप अपने बेबी को कलर से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये टॉयज कलरफुल है इसलिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है मेरे बेबी के लिए। बेबीज कलरफुल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे कि ये एक एग है, इसको खोलना, इसको बंद करना, जब इसके अंदर बेबी को दूसरा एग मिलता है तो बेबी को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलता है। एक के ऊपर एक सर्किल को रखना, उनको अरेंज करना, ये बेबीज सीखते हैं इस स्टैकिंग टॉयज से। जैसे कि ब्लॉक टॉयज होते हैं, जब एक ब्लॉक के ऊपर आप दूसरा ब्लॉक रखते हैं, तीसरा ब्लॉक रखते हैं, चौथा ब्लॉक रखते हैं, और उन ब्लॉक्स को जोड़ करके जब आप एक चीज बनाते हैं तो बेबी को पता चलता है कि अच्छा, इस तरह से ये चीज़ें जोड़ने से ये चीज़ बन गई है, तो उससे भी बेबी काफ़ी कुछ सीखता है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा बेबी के साथ खेलना भी पड़ेगा, तभी बेबी सीख पाएंगे कि इन टॉयज को कैसे खेलना है। इस तरह के टॉयज का यूज़ करके आप बेबी को खेल खेलने में भी काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस अभी केवल बेबी को इंट्रोड्यूस कराना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमें फर्स्ट बुक कब इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग
इसका कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है, आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी आप फर्स्ट बुक अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। आप 2 महीने पे, 3 महीने पे या फिर 6 महीने पर भी अपने बेबी को इन फर्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।